हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम अब स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों के लिए कोई ना कोई नई अपडेट जारी की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए कुछ नई अपडेट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें पर हम विजिट कर रहे हैं। नोटिस बोर्ड दिया गया है जिसमें कि आप रिक्रूटमेंट्स की जानकारी ले सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट को देख सकते हैं। जो भी नई अपडेट आती है उसको आप क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में ये ऊपर यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट चल रही है जो भी डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट पर जारी की गई है। तो आपके ई एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किए गए हैं, शेड्यूल किया गया है इनको 1 से लेकर 2 जून के बीच में। तो आप इसको क्लिक करके अपने ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिंक को इस तरह से क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ये ओके प्रेस कर दीजिएगा तो आपकी जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम अपडेट चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 30 मई 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जो कि हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नोटिस नंबर है 1482 और यहाँ पर आपके ई रोजियस को कॉलिंग किया गया है। पोस्ट आप देख सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंस्ट्रक्टर अंडर पोस्ट कोड 30/23 डिपार्टमेंट आपका बता दिया गया है। और इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल ये 26 यहाँ पर एडवर्टाइज किया गया था जिन वैकेंसीज के लिए वो दी गई है, जिसमें कि जनरल की 9, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 10, एससी की 2, एसटी की 1, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी 3, बीएच की 1, एचएच की 1 और एमडी की 1। तो ये आपकी यहाँ पर पोस्ट है 26। तो आइए फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या दिया गया है। कट ऑफ जारी की गई है और आप लोगों के ई रोजर को कॉलिंग किया गया है। तो ये देखिएगा, आप 784 कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पर अपीयर हुए थे इस एग्जाम के लिए। पोस्ट कोड है आपका 30/23, बिल्कुल लेटेस्ट आज की ही अपडेट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी है 26 जो कि कैटेगरी वाइज हम आपको बता चुके हैं। कट ऑफ आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, एंड जिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर ई डोजियर के लिए कॉलिंग किया गया है वो 71 कैंडिडेट है। अब ये एक नई चीज और यहाँ पर जोड़ी जा रही है, तो आप लोग यहाँ पर सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपडेट को देख सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए जनरल की जो कट ऑफ है 140.56, ईडब्ल्यूएस की 117.86, ओबीसी की 121.68, एससी की है 120.92, एसटी की है 87.50 और यहाँ इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी। और ये आप देख सकते हैं तीनों कैटेगरीज में यहाँ पर नील दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम देख लेते हैं, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है ईडोजियर को अपलोड करने के लिए, ये आप देख लीजिएगा 17 जून 2024 तक का आपको ये टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, ईडोजियर को अपलोड करने के लिए। 29 मई 2024 को ये आपका एक नोटिस जारी किया गया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। नोटिस नंबर है 23, पब्लिसिटी असिस्टेंट अंडर पोस्ट कोड 34/23। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं टोटल ये एक वैकेंसी है, पोस्ट आप देख ही चुके हैं, पब्लिसिटी असिस्टेंट 2 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, कट ऑफ जारी कर दी गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 93.75 2 कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल यहाँ पर पाए गए हैं, सुटेबल पाए गए हैं यूआर कैटेगरी से। और आप लोगों को यहाँ पर ई डोजियर अपलोड करने के लिए बोला गया है। और फ्रेंड्स, आपको जो ई डोजियर अपलोड करने का समय दिया गया है वो आप देख सकते हैं 31 मई 2024 से लेकर के 14 जून 2024 तक का आपको ये यहाँ समय दिया गया है, ठीक है। तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को इस टाइम पीरियड के दौरान जरूर से जरूर अपलोड कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पर, नोटिस नंबर है 1481। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डोजियर के रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है। पोस्ट कोड है 29/23 इन DTTE। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 322 कैंडिडेट थे जो कि अपीयर हुए थे इस एग्जाम में। आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर आपको बता दी गई है DTTE.onlineNIC.in। अपने मार्क्स को आप लोग यहाँ पर लॉग इन करके देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, पोस्ट कोड आपका बता दिया गया है, वैकेंसीज आपकी ये बता दी गई है 18 वैकेंसीज थी, कैटेगरी आपकी दे दी गई है और जो कैंडिडेट
यहाँ शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं जिनका ईडोजियर कॉलिंग किया गया है वो है 55 और आपकी कट ऑफ मार्क्स यहाँ बता दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है 125, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की जो कट ऑफ है 88.38, ओबीसी की कट ऑफ है 113.14, एससी कैटेगरी की कट ऑफ है 112.38, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है 83.08 और पीडब्ल्यूडी बीएच में 97.98। ये आप लोगों की यहाँ कट ऑफ बता दी गई है। और फ्रेंड्स एक नोटिस आपका ये जारी किया गया, आप देख सकते हैं नोटिस नंबर है 1480, यहाँ पर पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 13/23, डिपार्टमेंट आपका बता दिया गया है और यहाँ पर भी ईडोजियर को कॉलिंग किया गया है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की डिग्री एंड डिप्लोमा के रिगार्डिंग ये रिजल्ट यहाँ पर बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 224 कैंडिडेट हैं जो कि अपीयर हुए थे इस एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग अपने मार्क्स देख सकते हैं लॉग इन करके, आपकी वेबसाइट यहाँ बता दी गई है dtplasbonline.nic.in। तो इस वेबसाइट पर आप क्लिक करेंगे अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। ईडोजियर आपका कॉलिंग किया गया है तो आपको जो टाइम गिवन किया गया है उस टाइम पीरियड के दौरान अपना ईडोजियर आपको अपलोड करना है, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सब आपको अपलोड कर देने हैं वेबसाइट पर। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कट ऑफ आपकी जारी की गई है, पोस्ट कोड है 13/23, वैकेंसी है यहाँ पर टोटल 7, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं जिनके ईडोजियर कॉलिंग किए गए हैं वो है 27, जनरल कैटेगरी यहाँ पर जो कट ऑफ गई है 134.99, EWS की कट ऑफ है 113.21, OBC की कट ऑफ है 124.33, ST की कट ऑफ है 74.08 और यहाँ PW में BD और MD की ये नोट एप्लीकेबल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स तो ईडोजियर का अपलोड करने का टाइम आप देख लीजिएगा 27 मई 2024 से लेकर के 10 जून 2024 तक आपको यहाँ टाइम दिया गया है ईडोजियर को अपलोड करने के लिए। और फ्रेंड्स ये आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल भी गिवन है। कुछ कैंडिडेट है जिनको अपडेट पता नहीं चलती है तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर 1 जून सैटरडे 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम ये कंडक्ट होना है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम आपका दिया गया है 8:30 AM से 10:30 AM तक की एग्जाम टाइमिंग, एडवर्टीजमेंट है 01/24, पोस्ट कोड है 801/24, पोस्ट नेम है पर्सनल असिस्टेंट एंड सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये आप देख सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन यानी डिपार्टमेंट का नेम ये यहाँ दे दिया गया है। सेकंड शिफ्ट आपकी 12:30 से लेकर के दोपहर से 2:30 तक रहेगा, एडवर्टीजमेंट यहाँ पर 01/24 और पोस्ट कोड है 802/24, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट ये आपकी पोस्ट बताई गई है। और 2 जून 2024 संडे को आपका एग्जाम रहेगा, ये भी 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा, सेम टाइमिंग यहाँ दी गई है, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/24 और पोस्ट कोड है 802/24, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो फ्रेंड्स ये एक अपडेट यहाँ पर हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं जिन कैंडिडेट के 1 एंड 2 जून को एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे तो आप लोगों के ई एडमिट कार्ड अभी जारी कर दिए जाएंगे, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई एडमिट कार्ड का लिंक आप ये देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी एग्जामिनेशन के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड विशेस। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।